तो जरा सा मैं बस एक जानकारी के लिए आपसे बताना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसको बताना है फटाफट करके, लिखना कुछ नहीं, कुछ भी इसको लिखना नहीं, आंसर से बताना। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स बराबर वन दे दिया है, ग्रेटेस्ट इक्वल टू वन दिया, तो एक्स का वैल्यू को बता सकता है कहाँ से कहाँ लेने? क्लोज्ड वन से ओपन टू, क्लोज वन से ओपन टू। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन ओनली वन, टू से इनफिनिटी, एक्स को बता सकता है क्लोज से टू से इनफिनिटी। अच्छा टू में क्लोज लगा, ओपन 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 ओपन, अच्छे से क्लोज लगाते हैं, क्लोज। आपको सोचो ना, दो रखेंगे तभी तो आंसर आएगा। यस सर, प्रॉपर्टी देखें, अगर आप भूल गए हैं तो प्रॉपर्टी देखें, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टू, आंसर बताएं, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से एन प्लस, माइनस इनफिनिटी से तीन, थ्री सर, हाँ एन प्लस वन थ्री, भूल गया। चलो फिर से अगला, इसलिए मैं बार बार जानता हूँ कि आपको रिवाइज कराना जरूरी है, आपको नोट नहीं करूंगा तब तक आप आंसर नहीं लिखेंगे। चलो इसका आंसर बताओ, माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी से फोर। मैंने आपको बताया था कि अगर एन है इक्वल टू है तो वहीं से स्टार्ट होगा, एन है इक्वल टू नहीं है तो उससे एक ज्यादा स्टार्ट होगा, एन है लेस देन इक्वल टू है तो इससे एक ज्यादा खत्म होगा, एन है लेस देन है तो ओनली वहीं पे खत्म, ओपन, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हमने देखा था, अरे दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, उसको लिखना नहीं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपके सामने। जैसे मान लो ना कभी कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू टू और लेस देन इक्वल टू थ्री, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इस तरह का क्वेश्चन आपने नहीं कराया, समझना अच्छे से, एक एक बात बता रहा हूँ आपको, करना क्या है, सीखना क्या है, क्वेश्चन सुन लो, जो बता रहा हूँ अच्छे से सुनना, पढ़ सकते हैं ये, सुनना अच्छे से। क्या करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को ऐसे पूछना है, पढ़ना कैसे इसको सुन लो, पढ़ना कैसे सुन लो, मैं पूछूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर देता है, बिल्कुल सर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर इंटीजर देता तो मैं पूछूंगा कि दो से तीन के बीच में, क्योंकि इक्वल टू भी लगा हुआ है, तो दो से तीन के बीच में कितने इंटीजर कोई बता सकता है? दो, दो कॉमा तीन, यस सर, नहीं हवा ही नहीं लगा, हवा ही नहीं लगा सर, भाई साहब दो से तीन के बीच में कितने इंटीजर, तो दो तो है ही इंक्लूड, तीन भी इंक्लूड है, तो दो से तीन के बीच में दो इंटीजर आ रहा है, दो और तीन, नहीं समझ आ रहा, एक और, यस सर, यस सर, अच्छा नहीं लगा सर, एक बात बताओ, चलो इसमें कितने इंटीजर बता, तीन, थ्री फोर फाइव, थ्री फोर फाइव, पकड़ में आया क्या? चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन बनने वाले, अब करना क्या है, नंबर एन पे आ जाए, दोनों को सजा दे, दो तीन, अब पूछना है अपने से, कैसे पूछना है, मैं पूछूंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर दो कब आएगा, कहां से कहां चलूं कि दो आ जाए, दो से तीन, ओपन ओपन, यस सर, ठीक है। अच्छा सर तीन कब आएगा, तीन से चार तक, तीन से चार, तो तीन पे क्लोज आ गया और चार तक मेरे को जाना पड़ेगा, चार पे क्लोज लू या ओपन लू, ओपन ओपन ओपन, तो एक्स ब्रेक्स क्या आ गया, दो से तीन, भाई साहब सॉरी दो से चार। इस तरह के क्वेश्चन करने का तरीका ये है, पहले इंटीजर ढूंढो फिर पूछो कि भाई दो कब आएगा, भाई तीन कब आएगा, आदमी से पूछ रहा है, चलिए तो तीन चार पांच है, तीन चार पांच पांच करूंगा, चलो जल्दी बताओ तीन कब आएगा भाई साहब, कहां से कहां चलो, तीन से चार के बीच, तीन से चार, तीन से चार के बीच, भाई साहब चार कब आएगा, चार से पांच, चार से पांच के बीच, चार से पांच, सर पांच कब आएगा, पांच से छह के बीच, पास अच्छे, कोई ऐसा तो नहीं है जो कॉमा में बैठा ये हो क्या रहा है सर, इधर से इधर जा रहे हैं, बाकी बच्चों को आ रहा मेरे को आ रही है, भाई साहब ध्यान रखना कि मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं बोल दूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू टू आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये दो से तीन के बीच में तभी जाके दो आता है, तो ऐसे मूव करना है ऐसे, ठीक है। चलिए तो ये आ गया, एक लास्ट क्वेश्चन इस पे ले लेता हूँ, ज्यादा इस पे नाटक नहीं करेंगे, ध्यान देना, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रेटर देन माइनस वन और लेस देन इक्वल टू फोर, चलो जल्दी सोचो कितने इंटीजर, पांच, पांच, माइनस वन, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर, छः छः, ठीक है चलो मैं माइनस वन ले रहा हूँ, माइनस वन, जीरो, वन टू थ्री फोर, चलिए बोलिए जल्दी से, तो ऐसा करो ना सर, सब तो नहीं है, आप लास्ट तक पहुंच जाओ, लास्ट तक बस यहाँ तक दौड़ो, दौड़ते जाओ, और यहाँ चार कब आएगा, पांच तक, पांच पे ओपन, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, तो एक्स ब्लॉक शुरू आ गया माइनस वन से लेके पांच ओपन, चलिए अब इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बढ़ रहा हूं मैं, चलिए अब इसी के ऊपर एक डोमेन का क्वेश्चन ले लेते फटाफट से करके, बिल्कुल इस पे टाइम वेस्ट ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना अपने को, चलिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत अच्छे समझना है, अंडर रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन डिवाइड बाई फोर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, डोमेन ऑफ द फंक्शन निकालना है, चलिए कितने लोग बता सकते हैं, मैंने बोला कितने लोग बता सकते हैं कि पहला किसका इलाज होगा, रूट का, सही है क्या? यस सर,
Yes, sir. Root का इलाज क्या होता है? Greatest integer x minus 1 divided by 4 minus greatest integer x should be greater than equal to 0. Greater than equal to 0. अंदर में कौन बैठा है? अंदर में भाई साहब, inside function जो है, inside root जो है, greatest integer का domain क्या होता है? R. कुछ बोला ही नहीं है, बेकार है मतलब. सही है क्या? Yes, sir. मैंने आपको, हाँ मैंने आपको सिखाया कभी भी exclude करेंगे ना. देखो मेरी बात सुन लो, वो एक्सक्लूड वाला केस है ना, वहीं पे इंक्लूड हो गया है, यही पे हम लोग सिखा लेंगे. जैसे एक बात बताता हूँ मैं आपसे, मैं पूछूंगा आपसे, बस जो पूछूंगा वो बता देना, आपको पता चल जाएगा अपने आप. अगर मैं आपसे ये बोलूँ ना भाई साहब की एक बात बताओ कि अंडर रूट में लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, तो बता सकते हो उसका डोमेन कैसे निकालते हो? सर x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन 0 क्यों सर? इसका केस हटाते हैं, यहां से भी केस हटाना चाहिए, तो r r हटाते हो ना कि x माइनस 1 को 0 नहीं ले सकते, हटाना तो पड़ते ना, तो आपने यही हटा दिया, कहां क्यों लिया? पकड़ में आया? कोई भी फंक्शन, मैंने आपको बताया था जो भी फंक्शन जो r लिखना रिच है, जो फंक्शन रिच होता है उसके कभी भी इनसाइड केस हम लोग नहीं देखते, सिर्फ बाहरी बाहरी केस देखते हैं. ये बताया था मैंने पिछले क्लास में भी, याद रहेगा. जितने भी आर यानी जितने भी रिच फंक्शन है जिसके भी डोमेन आर होता है उसका अंदर वाला पार्ट नहीं देखते, सिर्फ उसका कंडीशंस देखते हैं. तो सर ये कंडीशन था इसलिए देखा, अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें इंक्लूड हो गया, आपने इक्वल टू साइन का लिया, ठीक है. फिलहाल चलिए जल्दी से बात करते हैं, तो इसको देखने का कोई जरूरत नहीं है. चलिए बताइए यहाँ पे जल्दी से क्या करूँ. तो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, सही है? यस सर. अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स को, है ना, यहाँ पे जो आंसर है वो लिख रहा हूँ, एक 1 आ गया एक 4 आ गया, देख पा रहे हैं आप? यस सर. चलिए पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जाना कहाँ भाई साहब? नेगेटिव की तरफ, बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आपका जो पोर्शन आ गया. तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, बिकॉज आपका जो आंसर आया, एक बार बता रहा जल्दी से, ये आंसर 1 से 4 में एक्स का आया है या ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का है. ना ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का, एक जरा सही बोल रहा है एक जरा गलत बोल रहा है, क्योंकि नीचे के लिए हम लोग कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं यूज करते, ठीक है. चलिए तो जल्दी से बताना कि सर 1 से 4 तक में ऐसा चलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या मैंने इस तरह क्वेश्चन सिखाया अभी आपको? यस सर. जल्दी बताओ ग्रेट या 1 से 4 ओपन, ये आंसर है आपका, चेक करो. यस सर. ठीक है कॉपी करें. चलिए भाई, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देख लिया हमने, अब आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर. आइए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं. सभी लोग क्वेश्चन हमने आपको दे दिया, अब होमवर्क दे दूंगा जरूर, बस जो अगला टॉपिक उसको खत्म कर लेते फटाफट करके. लिखिए भाई, इसी में ग्रेटेस्ट इंटीजर के बाद में जो अगला पीस वाइज फंक्शन आता है उसको लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन. फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पार्ट फंक्शन, फंक्शन, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, यानी फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट ही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाता है. समझना अच्छे से, फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट ही फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है, ध्यान रखना चाहिए. इसका क्या मतलब है समझना, पहले तो सर ये बात आता है रिप्रेजेंट कैसे होता है. सर रिप्रेजेंटेड में ध्यान समझना कि कैसा दिखता है. y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर, y इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर में एक x रहेगा, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन. इसको रीड करेंगे, रीड एज फ्रैक्शनल, समझना अच्छे से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फंक्शन कह रहा हूं मैं, लेकिन इसको पढ़ना कैसे, रीड एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. आपको ये पता चल गया होगा जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको सिखाया था कि लेफ्ट में जाके सबसे बड़ा इंटीजर जो था उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर कहते हैं. तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का क्या मतलब है कि x का फ्रैक्शनल वैल्यू,
एक्स का जो है फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा, रिपीट कर रहा हूँ, एक्स का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होगा यानी फ्रैक्शनल पार्ट होगा वही फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझना अच्छे से। तो पॉइंट नंबर टू इसमें लिख रहा हूँ, पॉइंट नंबर टू क्या है साहब कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे क्या लिखना है, इट टेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल। हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देते थे, बिफोर डेसिमल, और इसमें क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल, यानी क्या, इट टेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर डेसिमल, या डेसिमल के बाद वाला जो वैल्यू होगा उसको ले लेगा। ठीक है, तो जैसे पॉइंट नंबर थर्ड में अगर मैं बात करूं तो ये बात जरूरी याद रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि ये कैसा वैल्यू ले रहा है, फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहा है। ध्यान रखना, अच्छे से रिपीट कर रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी इंटीजर नहीं होगा। सर तो क्या होगा ये भी बता दो, इंटीजर में ना तो एक प्लस इंटीजर होगा ना तो माइनस इंटीजर, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, याद रखना भाई साहब। ठीक है, यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूं कि फ्रैक्शनल फंक्शन जो होता है यानी फ्रैक्शनल पार्ट जो है, ये रिपीट कर रहा है कि फ्रैक्शनल फंक्शन यानी फ्रैक्शनल पार्ट फ्रैक्शनल वैल्यू देगा, ना कि वो इंटीजर देगा, ध्यान रखना अच्छे से। चलिए अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर पांच क्या होगा, अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 1.9 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो मैंने आपको पढ़ाया बाय द डेफिनेशन, इट टेक्स फ्रैक्शनल वैल्यू आफ्टर द डेसिमल, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वही आपका आंसर होगा, आंसर क्या लिखूंगा, 0.9। एग्री कर रहे हो भाई साहब इस बात में, भाई कुछ तो बोलो, हाँ ना, ताकि मैं भी कर yes, इसमें कोई डाउट है किसी को, डेफिनेशन पार्ट में या कहीं भी छोटा सा भी दर्द हो तकलीफ से ये चीज समझ लो। नो सर, चलिए चलिए बात, अब एक छोटी सी बात बताता हूँ फ्रैक्शनल पार्ट में, चीजों को समझना अच्छे से, क्या तकलीफ होना चाहिए इसमें और क्या होगा वो समझना अच्छे से भाई, ठीक है। देखो भाई साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर को या किसी भी नंबर को दो तरीके से लिखा जा सकता है, उसके एक इंटीग्रल फॉर्म में और एक फ्रैक्शनल फॉर्म में। कैसे लिखूंगा समझना, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 3.4, ध्यान से एक बात को समझना जो लिखना चाह रहा हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3.4 को 3 + 0.4, कोई दर्द तो नहीं है इसमें? नो सर। ठीक है, इसमें अगर कोई दर्द नहीं है तो अगले टर्म में मैं दर्द देना चाह रहा हूँ, समझना अच्छे से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 जो लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.4? नहीं सर, ऐसे कैसे? यस सर। सही है क्या? यस सर। अच्छा, क्या बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, ये तो लिखा हुआ सर 3.04। यस सर। यस सर। सही है क्या? तो सर ये कौन है सर, ये तो 3.4 है। अब ध्यान से देख लो अच्छे से, तमीज से एक एक चीज को समझ लो भाई सर, जो लिखा है मैंने, आप यहां से डायरेक्टली यहां पहुंच सकते हैं, यानी क्या हुआ, कोई भी नंबर दे रखा है तो कोई भी नंबर को हम उसका ग्रेटेस्ट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। बात क्या हुआ इसका सर, कि कल के डेट में अगर ये एक्स है तो जल्दी से कोई बता सकता है यहाँ पे क्या लिखा, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होगा और ये कौन होगा सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट नंबर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको, लिखे साहब। ठीक है, अच्छा अगला बात करते हैं, तो पॉइंट नंबर बी इसी में लिख देता हूं कि आपसे आपको याद रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बता सकता है क्या लिखूं, इसको यहीं पे रखता हूं, इसको इधर लेके जाऊं, तो एक्स माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट माइनस ग्रेटेस्ट याद कर लिया तो ये समझ लो कि कैंसिल हो जाएगा सब कुछ। बोलो क्या कहना चाह रहा हूं, डाउट है? यस सर। किसी को डाउट है आप आराम से पूछे, ठीक है, चलो किसी को डाउट नहीं, आप समझ जाए जिससे, आपको ये याद रखना भाई साहब, ये पॉइंट नंबर टू था, ये आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा काम का, बहुत ही ज्यादा काम का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा काम का। ठीक है, चलिए अब इसी के ऊपर धड़ाधड़ करके एग्जाम्पल ले लेते हैं, फटाफट करके आप आंसर बताते हैं। मैंने लिखा 3.9, 3.9 नहीं 3.1, कोई बता सकता है इस फॉर्मूले में रखे, इस फॉर्मूले में रखे हैं 3.1 का 3, तो आंसर कितना गया भाई 0.1, जो कि सही था। ठीक है, तो अगला बताना है आपको जल्दी से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन अगला फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.9,
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 1.9, बस एक बार मैं बताऊंगा, दूसरे बार आप जल्दी से बताना है आंसर, माइनस आराम से सुन लीजिए, आराम से सुन लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 1.9। कितने लोग बता सकते हैं कि माइनस 1.9 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन माइनस 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 2? यस सर, क्या ये सही है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखूं, माइनस 1.9 और माइनस माइनस मिलके प्लस 2, टोटल कितना क्या बता भाई, 0.1। सही है, तो आज से आपको याद क्या रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी नेगेटिव आ जाना तो आपको कुछ नहीं करना भाई, मेथड 2 लिख दे रहा हूं सीधा सा, जल्दी से फटाक देखा और आंसर चटाक से आंसर कर देना, कुछ नहीं, डेसिमल वाले वैल्यू को 1-0.9 कर देना, आंसर आ गया 0.9। भाई सब ये कैसे आया, मैंने प्रूफ दे दिया आपको, लेकिन जिसको जल्दी से लिखना है ये ऐसे लिखना है, कभी भी नेगेटिव में आ जाए ना तो 1-decimal वही आंसर आएगा, मजा नहीं आया क्वेश्चन दो तब समझ आएगा। माइनस 3.8 जल्दी से बता दे, माइनस 0.4। चलेगा तो ये कितना आपको बता सकता है, 0.86। बहुत बढ़िया, चलिए एक लास्ट ले लीजिए, माइनस पॉइंट है ना, माइनस ई, फ्रैक्शन में माइनस ई, 0.7, 0.3। चलिए छाप लीजिए, चलिए तो आपको नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डाउट नहीं है, लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो समझ में आ गया कि नेगेटिव पॉजिटिव में कोई डाउट नहीं है, हम लोग को फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना आ गया, इसमें कोई लफड़ा ही नहीं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट में आप है ना पॉजिटिव वैल्यू रखो तो भी पॉजिटिव आता है, फ्रैक्शनल पार्ट में आप नेगेटिव वैल्यू रखो तो भी पॉजिटिव आता है, मतलब सर फ्रैक्शनल पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, हाँ बिल्कुल नहीं होता, रेंज पॉजिटिव है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी ये भी कैसा भाई साहब, इसको कह सकते हैं जीरो या जीरो से बड़ा ही देगा, लेकिन एक सवाल उठता है मैंने सर एक बात बताओ, यहाँ लिखने के बाद में आपने तो बता दिया कि सर फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं देता, तो क्या ये जीरो दे सकता है क्या, देखते हैं, चलिए कितने लोग बता सकते हैं फटाक से कि अभी जो फॉर्मूला लिखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है फॉर्मूला एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स होता है, ये तो सभी को याद है, यस सर, ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन लेता हूँ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा 2, कोई बता सकता है इसका आंसर, लिखो ना सर, लिखो ना 2-2, सर आंसर आ गया 2-2=0, भवाद क्या हुआ सर, रिजल्ट क्या मिला अपने को, रिजल्ट तो ये मिल गया ना सर कि सर ग्रेटेस्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर रखोगे तो ये खा जाएगा, खाने का मतलब आंसर 0, नहीं आया समझ में, यस सर, ठीक है सर, एक बात बताओ कल के डेट में अगर मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि माइनस और 2 रखता तो आंसर क्या होता, तो भी 0, तो भी 0 ही होता, इंटीजर का मतलब प्लस रखो माइनस रखो, ठीक है, चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, यानी इससे पता चल गया कि फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है वो 0 या 0 से बड़ा ही होता है, बट 1 से छोटा आंसर देगा हमेशा, चलिए सर तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ, मैंने पिछले क्लास में कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाया था आपको फ्रैक्शनल पार्ट एक्स से, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर से, कोई बता सकता है कि इसका आंसर क्या आएगा, मैं जानना चाहता हूँ, बहुत बच्चे इसको याद रखते होंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर बताए, अगर इंटीजर हुआ तो 0, नॉन इंटीजर हुआ तो माइनस 1, नॉट इंटीजर होगा तो नॉन इंटीजर होगा तो माइनस 1, यस सर, बहुत बढ़िया, चलिए कम से कम याद है, तो चलिए हमने ये देख लिया, अब आइए जल्दी जल्दी से करके हम लोग प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी पे आते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिर ग्राफ पे आएंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस पे, फिर ये टॉपिक खत्म, ठीक है, लिखते हैं भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ एफपीएफ, ध्यान समझना, एक एक बात कर रहा हूँ, पहला पॉइंट तो आपको जानकारी के लिए फिर से रिपीट कर दो कि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल और ये फ्रैक्शनल वैल्यू होता है, कैसा वैल्यू होता है, फ्रैक्शनल वैल्यू ये आएगा आपका 0 से 1 के बीच, विच इज लाइज इन 0 to 1, 0 से 1 के बीच वाला ही करेगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 2, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कभी भी इंटीजर रखो तो ये खा गया और आंसर 0 देगा, पॉइंट नंबर 3, फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी ध्यान समझना अच्छे से, कोई भी डाउट हो पूछना,
फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में x प्लस इंटीजर रख दो ना कभी भी, ध्यान से फिर से, या पॉइंट नंबर फोर में फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कभी भी x माइनस इंटीजर रख दो, तो वहां पे तो बाहर हो जाया करता था, किसी को याद है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस इंटीजर को लिखते थे तो डब्बा अंदर इंटीजर बाहर, यस सर सही है, लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे गड़बड़ क्या हो जाएगा, ये इंटीजर गायब, इंटीजर गायब हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे भी इंटीजर गायब, ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर बाहर आता है, फ्रैक्शनल पार्ट में इंटीजर गायब हो जाता है, याद रखना भाई साहब। चलिए पॉइंट नंबर पांच पे आता हूँ, अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो होता है वो x माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है, ठीक है। चलिए पॉइंट नंबर सिक्स पे आता हूं मैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फिर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही हो जाएगा, सही है क्या? अरे सिंपल सी बात सोचो ना कि ये फ्रैक्शनल पार्ट का जीरो पॉइंट समथिंग देगा सर, तो जीरो पॉइंट समथिंग का फिर से फ्रैक्शनल क्या आएगा, वही जीरो पॉइंट समथिंग, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ही आएगा। नहीं सर समझ नहीं आया क्या क्या बोलते, देखिए छोटी बात देखते हैं, 1.2 रखा ठीक है और इसका फ्रैक्शनल रखा, चलो अंदर वाले का आंसर 0.2, फिर से इसका फ्रैक्शनल 0.2, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट पे आ रहा हूं, पॉइंट नंबर सिक्स पे आ रहा हूं भाई, पॉइंट नंबर सिक्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये जो होगा वो जीरो से वन के बीच में लाइक करेगा और जीरो से वन का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो, सही है। किसी को दर्द है तो मैं दिखा सकता हूँ एग्जांपल के साथ में, सही है ना भाई साहब, यस सर। पॉइंट नंबर सेवन पे आ रहा हूँ भाई साहब, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जीरो, सर ये इंटीजर देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीजर होता है, अगर इंटीजर के हरा इंटीजर अगर फ्रैक्शनल के अंदर आ गया तो ये जीरो चिपकाएगा, ये आंसर कितना भाई साहब, जीरो, ठीक है क्या। चलिए तो ध्यान रखना इस पॉइंट को, पॉइंट नंबर सात भी, पॉइंट नंबर आठ जो है वो और इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, जल्दी जल्दी से सोचो, ध्यान सुनना मैं थोड़ा सोचने के लिए कर रहा हूं, अगर एक्स इक्वल टू इंटीजर लिया तो इंटीजर इंटीजर आंसर क्या देगा, जीरो, ये भी इंटीजर जीरो, ये आ गया जीरो भाई साहब, और मान लीजिए कि नॉन इंटीजर लिया तो बता सकता हूं सर वन होगा सर, वन होगा, यस सर, जरा सोचना जल्दी, दोनों तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा ना, हां बिल्कुल 0.1, जरा सोच लेना एक बार, चेक कर लेते कोई दिक्कत नहीं है, आइए सभी लोग जरा सोच लेते हैं, एक नॉन इंटीजर वैल्यू सोच रहा हूं भाई साहब, नॉन इंटीजर वैल्यू x 1.2 कर रहा हूं, आइए सभी लोग सोचते हैं, अगर मैं गलत होऊंगा तो कोई बात नहीं, सब करेक्ट कर देंगे, चलिए जल्दी से सोचते हैं, बताइए भाई साहब सर, 0.2 + 0.8 0.2 + 0.8 इक्वल टू कितना, बहुत बढ़िया, तो ये सही है, जल्दी से कॉपी कर लें। चलिए तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, बहुत अच्छे से ध्यान रखना इन सब चीजों कि इंटीजर होगा तो आंसर जीरो देगा, नॉन इंटीजर होगा तो आंसर वन आएगा, तो ये प्रॉपर्टी आठ जो प्रॉपर्टी है आपको ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, लिमिट सभी ने पढ़ रखा, लिमिट सबने पढ़ रखा दबा के, मैं जो पूछना चाहता हूँ कि मैंने अगर बोल दिया कि h tends to 0 है, इसका क्या मतलब है, h tends to 0 का क्या मतलब होता है, h tends to 0 का मतलब बहुत करीब है, बहुत ही करीब है, एग्जैक्ट 0 नहीं है लेकिन 0 के बहुत ही करीब है, मतलब क्या कि या तो ये राइट से मूव कर रहा होगा या तो ये लेफ्ट से मूव कर रहा होगा, यानी 0 के करीब होगा, सही है, यानी ये 0 से जरा सा चिंता मिंदा इधर उधर हो सकता है लेकिन होगा 0 से थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा कम, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा सा yes, कम sir. का मतलब हो जाएगा नेगेटिव साइड में नहीं जाना है, जीरो के इसका क्या मतलब है, ये एस टेंडिंग टू जीरो यानी जीरो से जरा सा बड़ा होगा, जरा सा, तो कितने लोग बता सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ पर लिख रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एच का आंसर क्या है, कोई बता सकता है, जीरो, सही है क्या, यस सर, ठीक है यहाँ पर लिख रहा हूँ भाई, ये भी बता दे रहा हूँ एच टेंस टू जीरो का क्या मतलब है, मैं इसका भावार्थ बता देता हूँ, एच का वैल्यू जो है यहाँ पे 0.00000001 है, मैं इतना छोटा मान रहा हूँ, तो मैंने बोला कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एच का आंसर बता दे, तो आंसर आ जाएगा जीरो, ये क्या पूछ रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एच का आंसर बता दे, माइनस वन, सही है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच बता दे, वन, सही है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वन बता दे, भाई साहब एच ही आएगा ना बाहर, यस सर, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सर एच क्यों आएगा, खुद से सोचो,
अरे खुद तो फ्रैक्शनल वैल्यू रख रहा हूं। अच्छा माइनस, ये सही है माइनस। इसका मतलब तो क्या है 0.2। तो वही तो लिखा है भाई साहब यहाँ भी। यस सर। तो ये लिमिटेड क्वेश्चंस में काम देता है, जानकारी के लिए बस बता दिया, शेयर कर दिया आपके साथ। चलिए इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद जो है बस एक ग्राफ देखते हैं, फिर क्वेश्चन। चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। आइए जल्दी जल्दी से ध्यान देते हैं, ग्राफ क्या होगा अपना। ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पॉइंट नंबर 3 करता हूँ। ग्राफ, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, हाँ सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। चलिए मैं ग्राफ से पहले का जो जल्दी जल्दी से पूछू बस वो बता देता हूँ। जल्दी जल्दी से जो पूछू, y इज इक्वल टू x का ग्राफ आता है सभी को? यस सर। यस सर। आता है क्या? यस सर। आता है सर। आता है तभी बोला भाई साहब, नहीं आता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है क्या? अच्छा ये y इक्वल टू x है और ये y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 2, बस इतना ही चाहिए। कोई जल्दी से ना सभी को मेरे को दिखा के बता सकते हैं? सब ये पढ़ रखा है क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन, y इक्वल टू mx प्लस c पढ़ा क्या कभी जून में? यस सर। c इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ठीक है क्या? कितने लोग बता सकते हैं कि सर x का कोफिशिएंट स्लोप देता है? स्लोप, स्लोप। यस सर। ठीक है तो जल्दी से देख के बताओ, क्या सारा लाइन का स्लोप 1 है क्या? यस सर। ठीक है, अगर सभी लाइन का स्लोप अगर 1 है तो कितने लोग बता सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल? हाँ सर। सही है। चलिए तो मैं आपसे ग्राफ पूछना चाहता हूँ, जल्दी जल्दी से बताना, जिसको नहीं समझ में आएगा जरूर आपसे पूछेगा भाई साहब। ये नहीं कि बैठे हुए हैं साथ में, कुछ खाने पीने का सामान भी है सर, हम तो एंजॉय कर रहे हैं, आप हमको देख थोड़ी बात। चलिए y इज इक्वल टू x का ग्राफ पूछते हैं, तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ये रहा, ओरिजिन से पास करेगा, सही है क्या? चलिए अब जो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है बता जल्दी से, y इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बताओ ऊपर, जिसको 1 यूनिट ऊपर ऐसा जाएगा क्या? सही है क्या? अरे हाँ ना, ठीक है। चलो y = x - 1 का ग्राफ बताओ, नीचे माइनस क्या है? प्लस 2 हम सोचे, मैंने इसका ग्राफ पूछा है, इसका इसका सही है सर। चलिए ठीक है, चलो तो अब ही ग्राफ देखना है, बहुत अच्छे से समझना, एक एक ग्राफ को समझते जाना। अब इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, बस इसको देख लेना बाद में, इसको बाद में समझेंगे। क्यों बताया अब यहाँ पे पूछ रहा हूँ, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो फंक्शन दे रखा है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, कितने लोग बता सकते हैं कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, लिख सकता हूँ? चलिए x का इंटरवल ले रहा हूँ, x का इंटरवल, तो इंटरवल ऐसे ले रहा हूँ 0 से बड़ा 1 से छोटा, 1 से बड़ा 2 से छोटा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे टूटता है, आपको भी पता है, ठीक है। अच्छा ये 4 से छोटा, अब इसके ऊपर चला जाता हूँ, है ना, 0 से बड़ा ले रहा, माइनस 1 से बड़ा, 0 से छोटा, और लास्ट में क्या दे लेता हूं, माइनस 2 से बड़ा और माइनस 1 से छोटा, मैंने अप्रॉक्स सभी को कवर किया है। तो कितने कितने लोग जल्दी जल्दी से बता सकते हैं कि इस फंक्शन में जो आपने ऐसा माना है सर, वो फंक्शन क्या होगा, जल्दी से बता देना, ठीक है। चलो इस बीच में बताना, तो देखो अगर मैं x का वैल्यू माइनस 2 से माइनस 1 के बीच में ले रहा हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या दे देगा? माइनस 2। माइनस 2 सही है क्या? तो माइनस 2 अगर देता तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, जल्दी से बताना, y इक्वल टू मिलेगा इसके लिए, इसके लिए बता रहा हूं। पहले चेक करो कोई डाउट है कि सर नहीं समझ आ रहा बिल्कुल भी? नो सर। सही है, चलिए इसके लिए कोई बता सकता है माइनस 1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा? माइनस 1। तो माइनस 1 देगा तो कितना आंसर बचेगा, y इज इक्वल टू कितना, x प्लस 1, ठीक है। अगर पूछ रहा हूँ 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना देगा, 0, 0, तो y इज इक्वल टू कितना देगा, x। अगला बताओ 1 से 2 में, x माइनस 1, 1, x माइनस 1, 2 से 3 में, x माइनस 2, x माइनस 2, 3 से 4 में, x माइनस 3। क्या आपको नहीं लग रहा कि सर यही सब ग्राफ बनाना था आपने, जो आपने पीछे बताया था, ठीक है। लेकिन सवाल ये है अब आपको कंडीशन के साथ में बनाना है, सुनना कंडीशन कैसा बनेगा, सुनना अच्छे से एक बात को, 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में y = x का ग्राफ बनाना है,
तो वाई को से ग्राफ ये रहा सर, ये जीरो रहा है ना, और ये वन यहाँ पे ले लो सर, जीरो से वन के बीच में। तो वन पे कैसे ले रहा है, ओपन, वन पे ओपन है, जीरो पे क्लोज है, वन पे ओपन है, मैंने ऐसा दिखा दिया, और जीरो से वन के बीच में ग्राफ लेना, बस इतना ही ग्राफ लेना, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना। इसका अगर मैं ग्राफ यहाँ पे बनाना चाहूँ तो यहाँ से मैं आपके सामने बता देता हूँ, समझ अच्छे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक ही चीज को समझ। ये तो पता चल गया भाई कि सभी लाइन का स्लोप पैरेलल है, तो सब पैरेलल चलेगा जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन के बीच, ध्यान से समझना भाई साहब, दिख रहा है क्या? यस सर, क्या भाई साहब? वन से टू के बीच में, टू से थ्री के बीच में सभी लाइन आपस में पैरेलल होगा, थ्री से फोर के बीच में, फिर माइनस वन से जीरो के बीच में, फिर कितना माइनस टू से जीरो, माइनस टू से माइनस टू के बीच में, सारा ग्राफ इस तरह से बनेगा, ध्यान से देखना, सभी लाइन आपस में पैरेलल है, पैरेलल, ध्यान से देख लो उसको अच्छे से। यस सर, कर दे रहा हूँ कि आपने बचपन में देखे होंगे इस तरह के छोटे छोटे डमरू टाइप के बच्चे को झुंझुने देखा हो, किसी को याद होगा तो, है ना, ऐसा ग्राफ झुंझुना होता है बच्चे का, ध्यान रखना कैसा होता है, जीरो से वन के बीच में, फिर स्टार्ट, हर इंटीजर से ग्राफ स्टार्ट होगा भाई साहब, हर इंटीजर पे स्टार्ट होगा, और हर इंटीजर पे जा करके ऊपर में जाके होल सर्कल और नीचे में क्लोज सर्कल। हाँ बिल्कुल, तो अगर मेरे को बताओ जल्दी से, बता सकता है कोई ग्राफ जल्दी से, क्या था ग्राफ, जीरो से वन के बीच में क्या था, वन से टू के बीच में क्या था, टू से थ्री के बीच में क्या था, माइनस वन और ये माइनस टू, क्या था कोई बता सकता है, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन में ऐसा सर, ऊपर ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे ओपन, फिर क्लोज, फिर ओपन, ठीक है, यहाँ पे फिर ओपन, यहाँ पे नीचे क्लोज, फिर क्लोज, फिर ओपन, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ जल्दी से बताना, डोमेन बता सकता है कोई, डोमेन आर, आर आर, बहुत बढ़िया, डोमेन कितना आ गया आर, रेंज बता सकता है कोई, जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से इनफिनिटी, ओपन वन, हाँ ओपन वन, नहीं जीरो से, जीरो से वन, जीरो से वन, कंप्यूटर में सुन जल्दी से, यानी क्या ये भी डोमेन अगर आर आ गया तो मैं कह सकता हूँ ये भी आर क्लब का रिच फंक्शन हो गया, ये भी रिच फंक्शन। चलिए सर कॉपी कर लीजिए, बेसिक बेसिक ग्राफ आपको याद होना चाहिए, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ कैसा होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ देख लिया, अब मैं जो सवाल पूछूंगा जल्दी जल्दी से बताना, ठीक है भाई साहब, आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे पूछ दूं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भाई साहब, अच्छे से समझना, क्या आपने देखा था जो ग्राफ है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, बस वो भी बता रहा हूँ, फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ था, क्या ये हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, क्या ये ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है? Yes, sir. Yes, sir. बोल सकता हूँ इन एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होगा, रिपीट कर रहा हूँ, इन एक्स बिलोंग्स टू आर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, x belongs to in minus infinite से infinite में ये जो graph है हमेशा x axis से ऊपर है, तो ये positive value दे रहा है या negative value दे रहा है? ये positive का मतलब zero, बिल्कुल zero या zero से बड़ा कैसे? Yes sir. लेकिन क्या इसको ऐसे लिखा जाएगा कि fractional part of x जो है वो x belongs to R में zero या zero से बड़ा देगा और one से छोटा देगा? One से छोटा देगा। ठीक है? Yes sir. तो ये remark में फटाफट करके लिख लेना ताकि आपको ध्यान रहे। आइए सर क्वेश्चन करते हैं फटाफट करके, इसके डोमेन का बता रहा हूं मैं इसको, चलिए क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आपको बताना है, ठीक है, देखते हैं जल्दी से बताना। एफ एक्स इक्वल टू आपके सामने लिख दिया भाई साहब, क्या वन अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फाइंड डोमेन, x belongs to r minus 0, देखते हैं 0 0 प्लस i, क्या इंटीजर भी, हां कितने को पता है कि सर ये जो फंक्शन है ये r क्लब का फंक्शन है, तो r क्लब का फंक्शन का बेसिक प्लस के लिए यूज करते थे, कांस्टेंट के लिए यूज करते थे,
इसका क्या होगा डोमेन, अगर मैं बात करूं तो डोमेन अपना फंक्शन की बात करूं तो x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा r, माइनस में वो कर दूंगा जहां पे फ्रैक्शनल क्या हो जाए जीरो। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है, जब x के नाम पे सारा इंटीजर बैठे। तो मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ व्हाट इंटीजर, इट इज योर डोमेन। कहीं पे कोई डाउट है तो आराम से पूछ सकता हूं। सही है, चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। fx log base e fractional part of x domain of the function, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगा आराम से सुनना। चलो तो log का किसी को कंडीशन, log का कंडीशन, log कंडीशन कहता है कि सर मेरा जो फंक्शन बैठा उसका डोमेन यानी वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए। ये किसका कहा नहीं हो गया, log का। और किसी को पता है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन यानी इसका डोमेन क्या होता है, ये तो ये मान लीजिए बेकार हो गया। तो कोई बता सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से बड़ा कहाँ होता है? आर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर नहीं लेना है, इंटीजर क्यों नहीं लेना सर, इक्वल टू जीरो। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके लिए ध्यान से समझना। एफ एक्स इक्वल टू रखा यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर फ्रैक्शनल पार्ट सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस ऑफ सॉरी एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। सर यही क्वेश्चन था, बहुत बच्चों का डाउट भी होगा। तो है सर sec inverse x into में 1 upon greatest integer x minus sorry x minus of greatest integer। बस जो पूछूंगा आराम से तमीज से बता देना। sec inverse x का डोमेन आता है, बिल्कुल आता है सर, x belongs to r minus open minus 1 से 1। दर्द हो गया होगा सर, क्लोज होगा ना वो, देख लो, क्लोज बताए थे सर, देख लो कॉपी, देख लो कॉपी, देख ले सभी लोग देखें, जरा सा कष्ट करें क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा, मैं देखता तो कोई बता रहा नहीं। क्या किसी ने कॉपी देखा? कई बच्चे तो होंगे नोट्स भी नहीं बना रहे होंगे, वो तो सिर्फ फोटो खींच खींच के रख ले रहे हैं, मोबाइल पढ़ लेंगे ना सर, एहसान कर रहे हैं वो अपने। क्लोज है बनते हैं, क्लोज है, यस सर क्लोज है, तो उसको ओपन कर लेना, ठीक है। मेरे को नोट्स जरूर भेज देना भाई साहब, कहां पे तूने लिखा मेरे को दिखा दे, ठीक है। ओपन है सर, ओपन है सर, चलिए कंफर्म करा आपने एक बच्चे ने, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये डोमेन नंबर 1 हो गया, एक एक चीज को समझना। दूसरा लिख रहा हूं, कितने लोग बता सकते हैं, मैंने पूछा कितने लोग बता सकते हैं इस तरह का डोमेन का आंसर, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या गया 1 इंटरसेक्शन 2। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस में क्या लिख रहा हूँ समझ लेना अच्छे से, कर्ली ब्रैकेट को बंद कर दो, कौन कौन, तो एक इंटीजर नहीं लेना है भाई साहब और माइनस वन से बन लेंगे। चलिए ये आपका आंसर है सर, इंटीजर में तो माइनस वन और वन दोनों आ जाएगा ना सर, तो मैंने कहा लिया तो सिर्फ इंटीजर लिखेंगे तो हो जाएगा ना, या फिर से बोलो सिर्फ इंटीजर लेने से लिखने से हो जाएगा, अगर इंटीजर आपने लिख लिया तो माइनस वन से वन भी हटाना है सर, इंटीजर में माइनस वन और वन भी आ जाएगा ना, वो तो माइनस वन और वन इंटीजर लेना। अच्छा यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि सर इंटीजर आइटम है, क्लोज यहाँ पे लेना चाहता हूँ, ये माइनस वन से वन के बीच का भी सारा आइटम होगा ना, वो बिल्कुल कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहा है कि सर माइनस वन से वन तो आ गया ना, उसमें हटाना पड़ेगा, सही कह रहे हैं, सही है क्या? यस सर, ठीक है चलो कॉपी कर दो। सर एक डाउट था, बोलो सर, जैसे sec inverse x तो वन पे सर होता है ना वैलिड, तो उसी तरह तो सर उसका डोमेन में वन तो आना चाहिए ना फिर, किसके डोमेन में वन आना चाहिए फिर से बोलो, इसके डोमेन sec inverse के में सर, यस सर, क्लोज आना चाहिए बिल्कुल, sec inverse x में डोमेन वन आता है भाई साहब, मैंने तो बोला था वन आता है, लेकिन दोनों का जब इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो ये कहना चाह रहा है कि भाई साहब मैं इंटीजर नहीं ले सकता, तो मैंने क्या देखा कि x belongs to r minus 1 से 1 अगर मैंने रख दिया, समझता है इसको क्या कहना चाह रहा था, उस बच्चे का आंसर बता रहा हूं कि अगर आपने माइनस वन से वन ले लिया इसको, तो माइनस वन से वन लेने का मतलब इसको आप हटा रहे हो,
इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि माइनस और वन आपने इंक्लूड कर लिया। तो सर इंटीजर में तो माइनस वन और वन तो है ही ना, क्या कहना चाह रहा हूँ इंटीजर में माइनस वन और वन तो है ही ना इंक्लूडेड सर वैसे भी। हाँ बिल्कुल 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 सही कह रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाओ, इसमें माइनस वन से वन हटा, इंटीजर इधर से हटा दिया माइनस वन से वन। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है ठीक है ना। आपका भी आपका उनका जो कह रहा था मैं उसको भी करेक्ट कर रहा हूँ, दोनों को करेक्ट कर दे रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये जो आंसर लिखा है एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर लिखा है, इंटीजर में यानी आर में से आपने सारे इंटीजर हटा दिए। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि सर माइनस वन से वन के बीच में आपने तो वन ले लिया इधर, तो भाई मैंने इधर इंटीजर भी हटा दिया, यानी क्या हुआ कि जब आप माइनस वन और वन ले रहे थे तो पैरेलली आपने इंटीजर को भी हटाया, तो माइनस वन और वन इंटीजर है तो हट गया ऑटोमेटिक। यस सर, यस सर। और कोई डाउट है इसमें पूछ लो। चलिए तो ये दो क्वेश्चन हो गया भाई साहब, अगला बात करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट पे इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन हमने देखे। आइए बात करते हैं, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट पे ये क्वेश्चंस थे बेसिक बेसिक। एक छोटा सा क्वेश्चन और लेता हूं मैं, अगला बात करते हैं। देखिएगा भाई साहब, एफ एक्स इक्वल टू लिखा आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन, यही भी लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स माइनस वन। डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है आपने, क्या करना है सुनना अच्छे से, बताएगा कोई नहीं ध्यान देना, क्या करना है इसका किसी को पता चला क्या करना है, रूट का, रूट का पहले करेंगे। अच्छा दोनों के अंदर रिच फंक्शन बैठा हुआ है क्या? यस सर। तो क्या करना, सिर्फ रूट का इलाज, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए इक्वल टू के साथ। अच्छा यहां कोई बता सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर सही है? कितने लोग बता सकते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एक्स का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो वन या वन से बड़े रहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट? फाइव। हाँ ना, एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है भाई साहब। अब कई बच्चे जो सोच रहे हैं क्या लिख रहे हो, कुछ को समझ में आ रहा है, मेरे को समझ नहीं। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ भाई साहब, मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल पार्ट जो एक्स होता है ना वो जीरो और वन के बीच में लाइक करता है, इसकी दुनिया यहीं तक सीमित है। अब अगर आपसे कोई बोले ना कि भाई साहब इसका दुनिया बड़ा कर दो, तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, मर जाएगा बेचारा। तो कभी भी एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव हो गया। अगर ये पहला आंसर फाइव है तो इसका आंसर दूसरा कुछ भी आ जाए, क्योंकि दोनों का क्या लेना इंटरसेक्शन, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, फाइव फाइव। आइए सर एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाक से। एफ एक्स इक्वल टू लिख रहा हूं आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस ऑफ टू, डोमेन ऑफ द फंक्शन बताना है आपने, ठीक है? सुनिएगा कहानी, बस वही सिंपल सा है। क्या कहानी है सर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ थ्री टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस ऑफ टू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू जीरो। सर फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को मैंने टी बोल दिया, ध्यान से बताया कि बात को समझते चल जाए, इसको मैंने टी बोल दिया टी। आप कितने बता सकते हैं ये टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चलेगा? तो इसका जो वैल्यू होगा टी माइनस टू और ये आ गया टी माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, नंबर लाइन पे आ रहा हूं साहब। तो ये लिख दिया ये वन है और ये टू है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसकी दुनिया बाहर की तरफ है, यानी ये इधर भागना चाह रहे हैं और ये इधर भागना चाह रहे हैं। क्या मतलब है सुनना, आपका जो वैल्यू आया ना वो सिखा रहा हूं अच्छे से। इसका आंसर यहां से लिख रहा हूं, इसका आंसर बोला जाएगा टी लेस देन इक्वल टू वन, चलेगा सर चलेगा। इसका क्या लिखूंगा सुनना, इसका बोला जा रहा है टी ग्रेटर देन इक्वल टू वन और बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है यूनियन, ठीक है? इसको क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है? इसको क्या लिखूंगा, यूनियन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब मेरे को जल्दी सोच बताओ एक्स का वैल्यू कितना है, टाइम लिमिट एक मिनट देता हूं, आराम से जल्दी। सर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर और उधर में फाइव हो जाएगा, तो फाइव हो जाना आंसर, आर माइनस इंटीजर फाइव, फाइव तो नहीं होगा राजा, फ्रैक्शनल पार्ट का, हाँ फ्रैक्शनल पार्ट दो कभी भी बड़ा नहीं होगा तो फाइव होगा। अच्छा सॉरी सर, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर, बीच में यूनियन है उसको जोड़ना है, इंटरसेक्शन और यूनियन का कांसेप्ट आता है, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस इंटीजर, ठीक है इंटीजर, बहुत बढ़िया देखते हैं। और कोई बता सकता नहीं, बाकी लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा है, x belongs to r minus 0, x belongs to r minus 0, बहुत तरह तरह के आंसर आ रहे हैं। अगर मैं ABCD देता हूँ ऑप्शन, हाँ अगर मैं ABCD ऑप्शन में देता तो ABCD ऑप्शन में चारों में टिक हो जाता है, कोई बात नहीं। आइए सभी लोग यहाँ पे देख लेते हैं,
यहाँ से बोलते हैं कि x belongs to phi आ गया, यूनियन आ गया। अब बताना कि अगर मैं सिर्फ इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको इक्वल टू का साइन हटा दूं, तो आपको पता चलेगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से छोटा ही होता है हमेशा हमेशा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, x belongs to r, बट सर एक बात, तो इक्वल टू 1 कभी देगा क्या? नो सर, इक्वल टू 1 कभी देता है क्या? नहीं सर। जल्दी लिखें, तो यूनियन क्या आ गया, x belongs to r, कॉपी कीजिए। चलिए भाई साहब, तो यहां तक आपको डोमेन के क्वेश्चन छोटे छोटे मैंने करा दिया आपको। आइए साहब, तो आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट पे मैंने जो क्वेश्चंस कराया है आप इसको ध्यान रखेंगे, जितना पढ़ा दिया उसको ध्यान रखेंगे। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट खत्म होता है, मैं इस पे ज्यादा नहीं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ ताकि आप घर पे इसको ट्राई करेंगे, ठीक है? जल्दी जल्दी से 7-8 क्वेश्चन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में जो दिया था उसके ऊपर मैं करेक्शन ना जरूर करा दूंगा, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, आज का जो होमवर्क है, उसको भी देना जरूरी है, ठीक है? और उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन आप करेंगे, घर पे ट्राई करेंगे, जो भी गलत हो सही हो। और मैंने बताया आपको, अच्छा एक चीज नहीं बताया तो मैं फिर से रिपीट कर दूं आपके लिए, कि अगर मैं जो भी क्वेश्चन देता हूँ, है ना, जो भी क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको पर क्वेश्चन के हिसाब से 4 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे। नहीं बनता है 4 मिनट में, आप उस क्वेश्चन को स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पता चला कि एक क्वेश्चन के पीछे पड़ गए और वो पूरा क्वेश्चन आपका रात भर का टाइम ले गया, तो वो क्वेश्चन मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि पेपर में सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन अगर बन जाते हैं आपसे, तो वो भी सिलेक्शन का बहुत बड़ा रीजन होता है। एक क्वेश्चन के लिए, है ना, अब कह सकते हैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अपने टाइम को, तो इस चीज को ध्यान रखना। आइए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, जल्दी जल्दी से ट्राई कर लेना। फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, सॉरी है ना, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दिन से चिल्ला रहा हूं, वो टिप पे आके बैठ गया है, बता दी। लिखिए भाई क्वेश्चन, कहीं को दर्द हो तो जरूर बताना भाई साहब। बोर्ड दिख रहा ना पूरा नीचे तक? यस सर। कह रहा हूँ बोर्ड नीचे तक दिख रहा है क्या? यस सर। यहाँ तक दिख रहा है ना? यस सर, यस सर। भाई साहब एक बात मैं बताता चलो, हमारा एक बच्चे ने मेरे से बहुत अच्छा पूछा क्वेश्चन कि सर एक बात बताओ, जो क्वेश्चन आप देते हो सर उसका आंसर कैसे मिलेगा मेरे को, मेरे को तो इसका आंसर नहीं पता होता है। तो भाई बस इतना बता रहा हूँ कि जो सिंसियर बच्चा है जिसने पूरा क्वेश्चन एक जगह पे लिखते चला गया है ना, वो मेरे को जरूर भेज देना। एक बच्चे ने मेरे को भेजा भी है, मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं दूंगा लेकिन आंसर की जरूर दे दूंगा। सोल्यूशन इसलिए नहीं दूंगा ताकि आप बनाए, ठीक है? और किसी को सॉल्यूशन चाहिए यानी कोई डिस्कशन होता है कि सर ये क्वेश्चंस कैसे किया जाए या वो क्वेश्चंस कैसे होगा, तो आप जरूर मेरे से कंसल्ट करें, है ना? कभी भी जब क्वेश्चन चलता है या क्लास चलता है तो क्लास के बाद जो कुछ टाइम बचता है ना, वहां पे आप मेरे से आप पूछ सकते हैं कि सर ये चीज कैसे हुआ है या ये चीज कैसे हुआ है,
बस जितना दे रहा हूँ कॉपी वाला क्वेश्चन ना, आप जितना पढ़ रहे के हिसाब से 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन जो दे रहा हूँ भाई सब वो कर लो, बस जितना बोल रहा हूँ कर लो, डेली डेली बोलूंगा करो ये, जिसने करा उसका बेड़ा पार होगा, जिसने नहीं किया उसका कुछ नहीं हो सकता, कटुक सकते है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। चलिए ठीक है, बस इतना ही क्वेश्चन काफी है, मोर देन इनफ है, तो होप आप इसको क्वेश्चन शो कर लेंगे कि सर। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, 8 नंबर ले लेता हूँ आपके इंटरेस्ट के लिए। एफ एक्स इक्वल टू साइन वर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2, इसका डोमेन बताना है, डोमेन आप ट्राई करेंगे आप। चलिए प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको हर क्वेश्चन पे बता दो, थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन से, मतलब आपको 4 से 5 मिनट देना है, क्वेश्चन नहीं बना छोड़ देना है, फिर अगला क्वेश्चन पे देना है। हो सकता है 8 क्वेश्चन में आपसे एक भी ना बने, कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि पहले ही आत्मा उसको सताती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना, एक एक क्वेश्चन बनेगा, हर कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। अरे 8 क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन ही बन रहा ना, तो आप ठीक ठाक जा रहे हो, 3 क्वेश्चन बोलो, 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, यानी क्या 8 क्वेश्चन इंटू 4 इंटू मल्टीप्लाई कर दो 5, 40 मिनट देना है आपको, नहीं बना फिर से दोबारा 40 मिनट देना, यानी दो राउंड तो चलना ही चलना है, दो राउंड में नहीं बना तो उस क्वेश्चन के ऊपर आर लिख देना रिवीजन, कि ये क्वेश्चन कभी भी जब मैं पढ़ूंगा चैप्टर को रिवाइज करूंगा तो ये क्वेश्चन जरूर बनाऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, है ना, इस पे बढ़ता हूं मैं आगे, इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो ये डोमेन के क्वेश्चन सारे खत्म, चलिए साहब बहुत मजा आ गया, अब दो प्रोफाइल और बचा हुआ है, आप सुनो मेरी बात, सुन लो अच्छे से, क्या क्या पढ़ा दिया आपको, सब चीज पढ़ा दिया है, हाँ, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन जिसमें 4 था, एक्सपोनेंशियल लॉग था, इनवर्स था, टेबल था, 4 खत्म, फिर आपको पीस वाइज फंक्शन में मॉडुलस, सिग्नम, हाँ, सिग्नम हो गया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन भी हो गया था, रैशनल इरेशनल और पॉलीनोमियल सारा खत्म कर दिया था। तो काइंड्स ऑफ फंक्शन की दुनिया से आप बाहर निकलते हैं, मात्र 5 से 6 लेक्चर बोल सकता हूँ, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि इस संडे को एक्स्ट्रा क्लास एक बार लगा दूं, हाँ तैयार रहेंगे आप, कोशिश करूंगा, ठीक है, बाकी सारा जितना भी जो बचा हुआ पोर्शन है वो जल्दी जल्दी से खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज जो पढ़ेंगे दो क्वेश्चन है ना, दो प्रोफाइल और इंपॉर्टेंट है डोमेन के नाम पे, इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्योंकि मेंस वगैरह में पूछा जा चुका है तो इंपॉर्टेंट है ना। प्रोफाइल नंबर 1 ध्यान रखना अच्छे से, क्या है इस तरह का क्वेश्चन, कैसे टैकल करेंगे, वो चीजों को समझना अच्छे से, ठीक है क्या। चलिए बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूँ, समझना, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ आपके सामने, ध्यान से देखना क्वेश्चन में डायरेक्ट यार, ये क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, इसको प्रोफाइल के नाम पे कोई वैल्यू नहीं है, क्या इसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, सीधा प्रोफाइल से चलो। क्वेश्चन क्या तरीका है, इफ एफ एक्स हैज डोमेन एक्स बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, रिपीट कर रहा हूं, एफ एक्स हैज डोमेन 0 से इनफाइनाइट, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ 10x, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, मजा आता है ऐसे क्वेश्चंस में, कहा क्या जा रहा है समझना, कोई फंक्शन है जिसका डोमेन fx has डोमेन इतना, तो बताइए इसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा जब x की जगह पे 10 रखें, बेसिक सा है, स्टार्ट कैसे करेंगे समझना, थॉट कैसे चलेगा भाई साहब, इसमें दिमाग कैसे काम करता है समझना अच्छे से, वो चीज को समझते, सोचना कैसे भाई साहब समझना, सोचना कैसे है समझना, बिकॉज है ना, यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, गिवन है कि fx का डोमेन क्या दे रखा भाई साहब, x belongs to 0 से इनफाइनाइट, यानी fx जो लाई कर रहा है x का जो वैल्यू है 0 से इनफाइनाइट, ठीक है क्या। तो देन अगर मैं बात करूं, देन f के अंदर मैंने 10x रख दिया, का डोमेन क्या होगा, करना क्या है कि सर यहां x था तो इसका डोमेन 0 से इनफाइनाइट था, ठीक है, अब क्या करा किसी ने, उसको x को हटा करके 10x रख दिया, तो पूछ रहे डोमेन क्या होगा, यानी डोमेन तो x का ही वैल्यू है, तो सर x की जगह मैं क्या रखूंगा 10x, तो जहां पे x है वहां पे 10x रख दो, ये इक्वेशन नंबर 1, पुट कर रहा हूं, पुट 10x है ना इन प्लेस ऑफ x इन 1, यही कॉन्सेप्ट है ध्यान रखना, पहला ऐसे लिखना है, दूसरा पुट करना है जो अंदर में बैठा हुआ जो इनइक्वालिटी में, ठीक है, तो दूसरा क्या लिखूंगा 10x है ना, इसीलिए देयरफॉर लिख रहा हूं 10x जो है वो 0 से, कि मैं 10 को इधर उधर कूदा दूं तो कितने लोग बता सकते हैं, x का जो वैल्यू होगा इधर होगा 10 इनवर्स 0 और इधर आ जाएगा 10 इनवर्स इनफाइनाइट, कितने लोग बता सकते हैं 10 इनवर्स 0 कितना होता है, 0 डिग्री,
जीरो एक्स और इनफिनिट का बताया 90 डिग्री तो दिस इज योर डोमेन ये क्या है डोमेन ऑफ ये डोमेन ऑफ एफ ऑफ टेन एक्स है ये आंसर आ गया कॉपी कीजिए चलिए होप आपको ये बेसिक सा थीम समझ में आया एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इसके ऊपर लेकिन आपने वो ध्यान रखना कि इनवर्स लेते हुए एनपाई में आंसर नहीं जाता भाई साहब क्योंकि सब उसको रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो जाता है इनवर्स फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है ठीक है जो हमने पढ़ा मैं आपको वहां पे क्लियर करूंगा और अच्छे से फिलहाल थीम समझ में आ गया कैसे चलना है चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं क्वेश्चन दे रहा हूं इफ एफएक्स हैज डोमेन अच्छा ये हैज डोमेन बार बार नहीं बोलेगा आपको कुछ और बोल सकता है मैं ऐसे देता हूं इफ एफएक्स हाँ इफ एफएक्स लाइज बिटवीन एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन इफ एफएक्स लाइज बिटवीन एक्स जीरो से वन ठीक है जीरो से वन के बीच में लाइज कर रहे हैं ठीक है चलिए और यहां पर क्या बोल रहा है देन फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन डोमेन ऑफ एफ के पावर है ना एफ ई के पावर एक्स प्लस एफ के अंदर में एल एन मॉड एक्स इसका डोमेन क्या होगा रिपीट कर रहा हूं अच्छे समझना मैंने क्या बोला यहाँ पे कि एफ एक्स जो है लाइज कर रहा है एक्स जीरो से वन के बीच यानी इस फंक्शन का डोमेन इतना दे रखा है तो बोला बताइए कि डोमेन फाइंड करो एफ एक्स यानी एफ के अंदर ई एक्स प्लस एफ के अंदर एल एन एक्स तो बताना यहाँ पे जल्दी से यहाँ पे एक फंक्शन है या दो दो फंक्शन है तो इसने मांगा आपसे क्या है एफ ऑफ ई के पावर एक्स का डोमेन क्या होगा तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे लिख सकता हूँ बिकॉज एक्स जो है वो जीरो से वन के बीच में है इसलिए मैं बोल सकता हूँ जीरो से वन के बीच में ई के पावर एक्स आ जाएगा भाई साहब x था तो 0 से 1 के बीच में तो सर f के अंदर ex रखा है तो ये ex के पावर 0 से 1 के बीच में आ जाएगा तो अब आपको बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा अब सुनना इसमें थोड़ा लफड़ा क्या होगा समझदार से मैं आपसे पूछूंगा e के पावर x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा क्योंकि आपको डोमेन चाहिए इसका डोमेन चाहिए अब सुनना पावर x का ग्राफ याद ऐसा होता है क्या यस सर ई के पावर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है क्या यस सर तो कितने लोग बता सकते हैं यहां से कि सर बताओ ये माइनस इनफिनिट है और ये जीरो है ठीक है और ये वन है तो मेरे को बताना ई के पावर एक्स यानी ई के पावर एक्स जो है वो जीरो और वन के बीच में मेरी बात सुनना अच्छे से फिर से रिपीट करो ई के पावर एक्स जो है वो जीरो से वन के बीच में तो बताओ कि ये फंक्शन जीरो से वन के बीच में कहां से कहां तक दिख रहा है एक्स में बताओ वन से लेके के पावर नहीं तक जीरो से इनफिनिटी कुछ और बोलो जीरो से इनफिनिटी या माइनस इनफिनिटी से जीरो फिर जीरो से वन इनफिनिटी से जीरो ओपन में माइनस इनफिनिटी से जीरो बहुत बढ़िया एक बच्चे ने सही बोला देखो मेरी बात ये कह रहा है ना कि ई के पावर एक्स जीरो से वन के बीच में आपको देख रहा है ग्राफ को देख रहा है भाई साहब ग्राफ को ग्राफ क्यों बनाया मैंने इसीलिए बनाया कि एक्स का वैल्यू निकल पाए तो मैंने देखा e के पावर x 0 से इनफिनिटी इसका ग्राफ ऐसा होता है तो ये ग्राफ जो है 0 से 1 के बीच में कहां दिख रहा है देखो सर 0 से 1 के बीच में बस ट्रैक पूरा तो देखना है सर इधर आओगे तो ये 1 से बड़ा हो गया सर उधर जाओगे तो 1 से छोटा हो गया तो x तो माइनस इनफिनिटी ठीक है यस डोमेन क्या हो गया भाई साहब ये हां बिल्कुल ये वाला रीजन यानी ये वाला रीजन आपको मार्क कर देना ये रीजन का ठीक है क्या तो मैं क्या लिखूंगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से जीरो एक्स की वैल्यू चाहिए ना अच्छा आप सोचो फिर से सोचो कि एक्स की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से जीरो रखोगे माइनस इनफिनिटी से जीरो रखोगे तभी तो ई के पावर एक्स का ग्राफ जो है वो जीरो से वन के बीच में होगा देखो जीरो से वन के बीच ये लो ये देखो मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ देखो जीरो से वन के बीच में ये वाला ग्राफ दिख रहा है तो जीरो से वन के बीच में ये वाला ग्राफ है तो एक्स किस वैल्यू पे माइनस इनफिनिटी से जीरो पे Yes, चलिए बहुत बढ़िया आगे बात करते हैं तो ये तो पहला आ गया तो ये इक्वेशन नंबर वन हो गया
अच्छा कितने लोग बताते हैं इसका डोमेन चाहिए, बिकॉज यहाँ से लिख रहा हूँ फिर से, है ना, यहाँ से लिख रहा हूँ गिवन एफ एन को कि एफ एक्स का जो डोमेन है, एफ एक्स का जो डोमेन है क्या भाई साहब, इसका डोमेन दे रखा है एक्स जो है जीरो से वन के बीच में, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ एफ के अंदर एल एन और यहाँ पे लेगा मॉड एक्स का डोमेन क्या होगा, का डोमेन क्या होगा, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिकॉज ऑफ एक्स जो है वो जीरो से वन के बीच में है, इसलिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एल एन मॉड एक्स जीरो से वन के बीच में होगा, अपने को एक्स निकाल रहे हैं, ठीक है, सुनना अच्छे से एक बात को, कितने लोग बता सकते हैं एल एन का मतलब लॉग बेस ई मॉड एक्स होगा, लॉग बेस ई का क्या, यस सर, ठीक है, एंटी लॉग काटूंगा ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, इसका मतलब तो ये लिखूंगा मॉड एक्स जो है वो जीरो से बड़ा और लेस देन कितना होगा जल्दी से बता सकते हो, ई के पावर वन, सही है सर, ई के पावर जीरो तो वन हो जाएगा ना फर्स्ट वाला, अच्छा बिल्कुल ई के पावर जीरो, अब सही है क्या, यस सर, तो ये वन से बड़ा और ई से छोटा, क्या याद है इस तरह क्वेश्चन कैसे करते थे, टर्निंग पॉइंट जीरो माइनस इतना रस्सी माइनस वन माइनस वन, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो एक्स बिलोंग्स टू कितना, माइनस ई से ओपन में, माइनस ई से माइनस वन यूनियन वन से ई, ये आंसर नंबर दो हो गया भाई साहब, अब जल्दी से बताना है कि दोनों का कॉमन लेना है, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फाइनल डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा वन इंटरसेक्शन टू, कितने लोग बता सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ये आ रहा जीरो से इनफिनिटी यानी माइनस इनफिनिटी से जीरो, ये जीरो रहा, ये माइनस इनफिनिटी से जीरो यानी ओपन, दूसरा क्या कह रहा है बता, माइनस इन माइनस वन ये वन और ये ई, चलो भाई साहब ये दिखा यहां से लेके यहां तक और ये दिखा यहां से लेके यहां, कॉमन बता सकता है कोई, माइनस ई से माइनस वन, इसलिए मैं लिख रहा हूँ डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या गया माइनस ई से माइनस, लिख लीजिएगा साहब, क्या इस तरह का क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी को तकलीफ है तो पूछ लीजिए कि सर इस तरह का क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा फिर से रिपीट करो, कहीं पे भी कोई स्टेप में बस सिंपल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई साहब कि भाई ऐसा दिया है पहले एक्स का डोमेन दे रखा है, अब उस एक्स को हटा करके उस फंक्शन को रख दो, फंक्शन रखने के बाद में आपको ई का पावर एक्स का आंसर नहीं चाहिए, डोमेन चाहिए, डोमेन डोमेन होता है वैल्यूज ऑफ एक्स यानी इसका आंसर, मैंने ऐसा लिखा फिर इसको रखा फिर ऐसा लिखा, ठीक है, होप आप इसको समझ गए होंगे, चलिए अब इसके ऊपर अगर ये समझ गया तो मैं एक क्वेश्चन इस पे चिपका देता हूँ, जल्दी से लिखो, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई, इतना करने के बाद दो क्वेश्चन तो बनता है और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अच्छे से समझता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब, चलिए दो क्वेश्चन और इसी के ऊपर हम ले लेते हैं होमवर्क, क्वेश्चन क्या है सर, इफ fx lies in x belongs to one to two, ठीक है क्या, वन से टू, then find domain of, अच्छे समझना, पहला क्वेश्चन ले रहा हूं डोमेन ऑफ एफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस टू, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं एफ ऑफ ग्रेटेस्ट यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस वन, ठीक है क्या, अच्छा थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं एफ के अंदर में और ये कितना आ जाएगा भाई साहब, चलो यहां चलो वन माइनस नहीं लेता, टेन एक्स माइनस ऑफ वन बाई टू, चलिए ये तीन क्वेश्चन घर से बना लेना भाई साहब, तीन क्वेश्चन दिया है ना, देन फाइंड डोमेन ऑफ, पहला इसका ऐसे निकालना, इसका ऐसा, इसका ऐसा, घर पर ट्राई कर लेना, मिटा दू क्या, यस सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए तो एक क्वेश्चन ये हो गया, प्रोफाइल नंबर टू चाहता हूं, सेकंड प्रोफाइल, प्रोफाइल नंबर टू बहुत अच्छे से समझना, कितने लोग बता सकते हैं, जो पूछूंगा वो बताना, जल्दी से सुनना अच्छे से, मेरे पास चार लोग हैं और मेरे पास ना तीन कुर्सियां हैं भाई साहब, तीन कुर्सियां, तीन कुर्सियां हैं, तीन कुर्सियां, कोई बता सकता है कि चार लोग हैं तीन कुर्सियां कैसे बैठाओगे, सर 4C3 वो तो सिलेक्शन हो गया सर, 4P3 4P3 हां ये तो पता चला 4P3 यस सर 4C3 × 3 factorial yes, वो भी कह सकते हैं, वो भी कह सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आपने ये नहीं पूछा कि सर चार लोग हैं और तीन कुर्सियां हैं, इट इज पॉसिबल और नॉट, नहीं सर बेचारा एक को तो खड़ा रहना ही पड़ेगा,
वही कह रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत अरेंज करा है, क्वेश्चन समझो, चार कुर्सियां है, तीन लोग है, ठीक है, तीन लोग हैं, चार कुर्सियां, अब चलेगा आराम से बैठेगा। हाँ अब बोलो क्या लिखोगे, तो आंसर क्या आएगा भाई, 4P 4P 3, ठीक है। कितने लोग पता चला यहाँ पे कि हम लोग जब अरेंजमेंट करते हैं या चीजों का सिलेक्शन करते हैं तो जो NPR जो होता है इसको कहते हैं अरेंजमेंट, ये तो पता है सभी को? यस सर, यस सर। अच्छा, इसको कहते हैं अरेंजमेंट। तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये जो N होता है ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? हमेशा पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई कि माइनस चार कुर्सियों में से पांच लोगों को बैठाऊंगा, कुर्सी दिख ही नहीं रहा अभी बैठाएंगे हम, नहीं ऐसा होता है। इसको कहते हैं ख्याली पकाओ, है ना, वो एक आपने देखा होगा, मतलब कह सकते हैं ड्रीम देखना, ऐसा ड्रीम देख सकते हैं, मैं ऐसा हो जाऊंगा तो ये करूंगा, पार्टी दूंगा सभी को, ठीक है, पार्टी दूंगा, कैसा पार्टी, बहुत ही भयानक पार्टी होगा, है ना, वो होटल के उतने बड़े टावर पे हम लोग पार्टी करेंगे, कुर्सी एक भी नहीं रखूंगा। तो क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, सुनना चाहिए, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई साहब ये जो एन है ना, एन 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 पॉजिटिव होता है, आपको ख्यालों में नहीं जीना है, रियलिटी में जीना है, समझ में आ रहा है? तो एन जो कैसा है, पॉजिटिव है, एन जो है पॉजिटिव है। चलो एक बात करता हूँ, आर को मैं जीरो ले सकता हूँ क्या? यस सर, हो सकता। मेरे पास चार कुर्सियां, मैं एक भी को नहीं बिठाऊ, क्या करूँ, कुर्सी मेरी है, सही है क्या? तो सर आर यहाँ पे क्या जीरो ले सकते हैं, तो क्या आर माइनस वन ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं ले सकते। no. इसका मतलब क्या हुआ कि आर जो है वो आर से बड़ा है या उसके बराबर होगा? हाँ हो सकता, कंफर्म करो, हो सकता है चार में से चार लोग बैठा, चार में से चार लोग को बैठा, तीन लोगों को बैठे, यस सर, सही है, ठीक है। हो सकता है बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, क्या बोल रहे हो सर, ये एनपीआर, ये सब सिंपल सा ना, गरीब बच्चे के लिए मंत्र याद होना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कभी भी एनपीआर का क्वेश्चन आ जाए डोमेन के केस में, या फिर एनसीआर का क्वेश्चन आ जाए डोमेन के केस में, करना क्या है ये समझना अच्छे से। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, तो यहाँ एन पॉजिटिव हो जाएगा और एन कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, याद रखना, एन पॉजिटिव तो होगा लेकिन इंटीजर होगा, आर भी पॉजिटिव होगा, जीरो से जीरो बड़ा भी इंटीजर होगा, और ये दोनों भी कैसे हैं, इंटीजर ही होंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या था मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, फोर ध्यान सुनना, डोमेन, डोमेन फॉर द फंक्शन, फॉर द फंक्शन, इस तरह का फंक्शन होगा, ध्यान समझना। पहले क्या है कि पहले प्रोफाइल बदलता हूँ, तो एनसीआर हो या एनपीआर हो, दोनों का केस क्या होगा, आप एक ही चीज को समझना, करना क्या है, व्हाट टू डू, समझना करना क्या है भाई साहब, एक एक बात को समझना। पहला तो आपका पॉजिटिव होना चाहिए एन, दूसरा आपका आर जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तीसरा एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होना चाहिए, सबके बीच में एंड लगा हुआ है एंड, ठीक है, ये एट मत समझ लेना भाई साहब, ये वन है, ये टू है, ये थर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या याद रखना है कि एन एंड आर बोथ आर इंटीजर, बोथ शुड बी इंटीजर, बोथ शुड बी इंटीजर, बोथ शुड बी इंटीजर, ध्यान रखा ये चीजें। चलिए आपका फाइनल डोमेन क्या आ जाएगा भाई साहब, वन इंटरसेक्शन टू इंटरसेक्शन थ्री, ये आपका फाइनल डोमेन आ जाएगा। चलिए इसको फोटो कीजिए जल्दी से, चलिए ये जरूर लिखना, सॉरी मैंने ये लिखा नहीं, ये जरूर लिखना, एफ एक्स इक्वल टू ये हो सकता है भाई साहब या ये हो सकता है, ठीक है। चलिए fx लिख सकते हो या फिर यहाँ पे n कर लेना, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो आप बोलोगे सर ये फंक्शन है ही नहीं, x के टर्म्स में n के टर्म्स में कोई रिलेशन ही नहीं, ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्या लिखा, fn इक्वल टू ncr या फिर npr, दोनों के लिए सेम कंडीशन है। क्या कंडीशन था जो पढ़ा आपने, बस उसी के बारे में बता देना, क्वेश्चन लेता बहुत बेसिक सा, आइए सर एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, fx इक्वल टू आपके सामने दिया, ध्यान से देखना, x माइनस थ्री सी आर माइनस टू, चलो आर माइनस टू सॉरी एक्स माइनस वन ले लेता हूं, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन, पहला क्वेश्चन मैं कराऊंगा, दूसरा आप करना, बहुत अच्छे समझो एक ही बात। तो आपको पता ये एनसीआर टाइप हो गया, अगर ये एनसीआर टाइप हो तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर ये पहला जो नंबर है वो पॉजिटिव करो, आना बोलो, यस सर, ठीक है क्या? ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या होगा जल्दी से बताओ सर, x माइनस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, r ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
क्या कह रहे हो? ये सही लिखा है? यस सर। यस सर। ठीक है, केस नंबर थर्ड में अगर बोलना चाहूं तो कितने लोग बता सकते हैं कि सर एन और आर ग्रेटर देन होता है, यानी क्या एक्स माइनस तीन ग्रेटर देन कितना होगा, जल्दी बताओ, इक्वल टू के साथ में एक्स माइनस वन। क्या मैंने सही लिखा है? एक बार एक मिनट के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाना, बिल्कुल परेशान मत होना, कॉपी कोई नहीं करेगा यहाँ पे, देखो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा, सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझता, ध्यान से, चलो अब सही है, आपको पता चल जाएगा क्यों करेक्शन किया है। चलो तो यहाँ तक बताओ, यहाँ तक में कोई डाउट है किसी को? भाई साहब ये आपका एनसीआर है तो मैंने क्या करा, इसका कंडीशन क्या होता है डोमेन का, एन पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या किया मैंने, आर पॉजिटिव जीरो से बढ़ा। थर्ड में क्या करा भाई साहब, यहाँ पे थर्ड में करा एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर, वही तो लिखा है भाई साहब, आप कॉमा में चले जाना, फिर से रिपीट कर लो, कॉमा में बिल्कुल मत जाना। चलिए और बताओ यहाँ पे आंसर कैसे आएगा बताओ, ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन तीन, सही है, यहाँ कोई बता सकता है एक्स लेस देन वन, यहाँ पे ध्यान से देख के बताओ, इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है 2x less than x greater than 1 equal to 1, हाँ तो 2 हो जाएगा। चलिए आइए तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, ये 1 हो गया, कितने को भाई साहब, ये 1 है और ये कितना है 3 है, चलो जल्दी से बोलो, ये कह रहा 1 या 1 से छोटा, देखा क्या, ये क्या कह रहा भाई साहब, 1 या 1 से बड़ा, वन या वन से बड़ा, और तीन क्या कह रहा है, तीन या तीन से बड़ा, दिखा क्या, पाई हो जाएगा, किसी का कॉमन सॉल्यूशन दिख रहा क्या है यहाँ पे, नो सर, नहीं सर, तो इसका सर क्या गया, एक्स बिलोंग्स टू पाई, एक्स बिलोंग्स टू पाई, कॉपी करें सर, थर्ड पार्ट एक बार देखिए, थर्ड ये वाला x minus 3 is greater than equal to 1 minus x के second step में गलत। मैंने गड़बड़ किया क्या यहाँ पे? सर वहाँ 2x greater than equal to 4 होगा। 4 होगा। हाँ सही पर, एक बट, ये 4 होगा ना? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे? कोई बता सकते हैं? 1 by 2। 1 by 2 ना? 2 आएगा सर, 2। 2 सर। 2 सही है, बिल्कुल सही। ये 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये गड़बड़ किया मैंने। तो ये 1 से छोटा, ठीक है? 1 से छोटा, इधर जाएगा? वन से छोटा इधर जाएगा साहब, अगला क्या लिखूं, टू से बड़ा, दो से बड़ा इधर जाएगा, फिर भी कॉमन मिल रहा है क्या, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना आंसर नहीं आया, मैंने इस तरफ एग्जांपल लिया जिसमें आंसर नहीं आया, चलिए एक एग्जांपल लिखा, कॉपी कीजिए उसको जल्दी से, कॉपी कीजिए जल्दी से, मैं इसको बता रहा हूँ, डरना बिल्कुल भी नहीं है सर, फाइव आ गया तो आंसर गलत हो गया क्या, नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार डोमेन आ जाए आपका, नहीं सर आप ऐसा एग्जाम्पल ही लिखो जिसमें आंसर फाइव आता है, ऐसा आंसर बोला जिसमें आंसर पूछना पूछा है। चलिए भाई साहब आइए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन बताता है इसको, है ना, जेई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई साहब, समझना, एफ एक्स इक्वल टू दिया है, अब इस बार आंसर जरूर आएगा, और यहाँ पे पी लिखा हुआ है एक्स माइनस पी, चलिए डोमेन बताना है, डोमेन, डोमेन सभी लोग बड़े प्यार से और एक एक बात बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ, चलो बोलो, पहला कंडीशन क्या लिखूं, ये पॉजिटिव सही है, 7 माइनस एक्स शुड बी कैसा, पॉजिटिव, दूसरा केस कौन बताएगा, ये आर है, आर, आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, थर्ड केस कौन बताएगा, थर्ड क्या लिखूं बोलो सर, 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू एक्स माइनस 3, चलो तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स 7 से छोटा, यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई साहब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पे क्या लिखूंगा कोई बता सकता है, ये आ जाएगा 2x, है ना, ये आ जाएगा 7 10, ये 2x ऐसा लिखा जाएगा, तो 2x less than equal to 10, सही है, तो x less than equal to कितना 5, आइए केस नंबर 1 2 3 पे चलता हूं, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, जल्दी जल्दी से बता दो आंसर क्या है, तो x belongs to close 3 से close, close 3 से close 5, देख लेता हूं, देख लेता हूं, ये 3 5 7, ठीक है, तो 3 से बड़ा कह रहे हैं ये इधर जाना है, 3 से बड़ा डार्क में, 5 से छोटा इधर, 7 से छोटा, 7 से छोटा कॉमन, ये वाला, ये वाला, ठीक है, आइए लिखते हैं भाई साहब x belongs to कितना आ गया बताओ, close 3 से close 5, close 3 से close 5, 3 से 5, आंसर सही है, गलत है, जल्दी सोचो सर, ओपन 5 क्यों, close 5 होगा ना, ओपन क्यों,
तीन से पांच में हर एक वैल्यू के लिए डोमेन नहीं निकलेगा भाई साहब। मैंने बोला था कि ये जो एन है और जो ये इंटीजर होगा सर, इंटीजर होना चाहिए। अच्छा हाँ, जल्दी से सोचो, तीन से पांच में कितने इंटीजर जोड़ो, जल्दी से आंसर दो, कितने इंटीजर? तीन। तीन सर। शुड बी इंटीजर, शुड बी इंटीजर, तो शुड बी इंटीजर कौन सा जल्दी बताओ? थ्री फोर फाइव। थ्री फोर फाइव। थ्री फोर फाइव आया क्या? चलिए भाई, तो इसलिए आपका डोमेन जो आ गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या आ गया? तीन चार पांच। कोई डाउट है किसी में? नो सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना। अच्छा क्या बता सकते हो जल्दी से, एक सवाल मतलब जल्दी बता, बहुत डाउट हो रहा है इसमें। एक क्वेश्चन ये पूछा आपको, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस वन, डोमेन जो दे रखा है वो दे रखा है वन टू थ्री, रेंज बता सकता है क्या कोई? वन टू थ्री, हाँ रेंज बता सकता है क्या? सर टू से फोर तक सिर्फ इंटीजर, मतलब सर टू टू फोर, हाँ वही टू थ्री फोर। रेंज क्या? हाँ एक मिनट, रेंज कैसे निकलता है? रेंज किसको पता कैसे निकलता है? एक्स का वैल्यू पुट करके जो आउटपुट निकले। बहुत बढ़िया, तो बता सकते हो एफ वन पे आंसर कितना आया? टू। एफ टू पे कितना आया? थ्री। एफ फोर सॉरी एफ तीन पे कितना आ गया? फोर। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है आपको बता सकते हैं? टू थ्री फोर वन थ्री। तो कितने, हाँ कितने लोग बता सकते हैं कि ये जो डोमेन दे रखा है ये इंटरवल में है या डिस्क्रीट पॉइंट है? डिस्क्रीट। हुआ कि कभी भी फंक्शन का डोमेन, यानी किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर डिस्क्रीट पॉइंट आ जाए तो रेंज भी डिस्क्रीट आता है या इंटरवल में आता है? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट आता है। अब मैं सवाल जो पूछूंगा सुनना, इस फंक्शन का डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन डिस्क्रीट आया या इंटरवल में? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट। तो क्या बता सकते हैं कि इसका रेंज निकाल लोगे क्या? यस यस सर। रेंज कैसे निकलेगा सुनना अच्छे से, की बात आओ x इक्वल टू बड़े प्यार से तीन उठाओ, तीन रख दूं यहाँ पे? यस सर। यस सर। तो सेवन में से तीन गया फोर, फोर थ्री जीरो जीरो, ठीक है। अगर बता रहा सेवन में से फोर गया थ्री थ्री वन थ्री वन, सही है। अगला फाइव में कौन जीतेगा? टू पी टू टू थ्री टू बन जाएगा क्या? यस सर टू पी टू वन हो जाएगा। यस सर। तो ये डोमेन निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, रेंज आप फाइंड करेंगे, डोमेन के नाम पे आ गया भाई साहब इतना पे, तीन चार पांच, रेंज आपका काम होगा निकालना। मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, भरोसा करके छोड़ रहा हूँ। और ये मेंस का क्वेश्चन था, रेंज पे डोमेन पे नहीं था, याद रखना। मैंने आपको डोमेन बताया लेकिन क्वेश्चन एक्चुअल में रेंज का था। आप बना पाओगे या मैं पूरा सॉल्यूशन लिखो जल्दी बताओ? बन जाएगा सर। बन जाएगा। नहीं भरोसा, भरोसा ही भाई साहब, भरोसा लिख दे भाई, देख गरीब बच्चे हैं, बेकार का टेंशन है। इतना जो भाई थ्री पी और ये चार जाने के बाद लास्ट में टू पी टू लिख देना भाई साहब। टू पी टू होगा, हाँ टू पी टू, सॉरी टू पी टू। आइए सर जल्दी सर, क्या टू का आंसर अच्छे से जानते हैं, थ्री पी टू का आंसर अच्छे से जानते हैं, ये सब निकालना आता है, इसमें कोई डाउट नहीं, मेरे को शक भी नहीं। चलिए बात करते हैं। तो इस तरह का डोमेन, यानी क्या हुआ कि मैंने आपका जो काइंड्स ऑफ फंक्शन था वो सारा खत्म कर दिया और साथ में दो प्रोफाइल भी इंपॉर्टेंट वाले बता दिए, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या होता है, काइंड्स ऑफ फंक्शन और डोमेन की दुनिया से थोड़ा बाहर आ गए, डोमेन हमारा पीछा ही छोड़ेगा कभी, याद रखना अच्छे से, ठीक है क्या। चलिए अब जो होता है काइंड्स ऑफ फंक्शन के अलावा जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो डोमेन डोमेन है ना, रेंज रेंज, अभी रेंज तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, रेंज अभी छुआ भी नहीं है। तो रेंज के नाम पे दो चार क्वेश्चन देखा था, बस एक क्वेश्चन ये, एक दो क्वेश्चन और देखा होगा पीछे कभी। अब जो सवाल उठता है कि जो बाकी बाकी जो बचे हुए फंक्शन है उसको जरा देखते हैं, तो जल्दी से देख लेता हूँ है ना, टाइम क्या बचा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग बात कर लेंगे, टाइम अपने पास टाइम बचा हुआ है। लेकिन चलिए हेडिंग हेडिंग तो लिख ही सकते हैं, जल्दी से आइए स्टार लगाइए और लिखिए, जल्दी से लिखिएगा बच्चे। इवन ऑड फंक्शन,
फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन। बहुत ही आसान सा टॉपिक है ना, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, कोई डोमेन नहीं पता चलेगा कि एक्स किधर लेके जाऊं, कहां निकालूं, कुछ नहीं, सब सिंपल सा है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पिछले क्लास का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन नहीं दिया ज्यादा, अभी जो टॉपिक पढ़ा है ना उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया, क्या मैं उस पर दो क्वेश्चन दे दूं क्या? एनसीआर और एनपीआर पे एक दो क्वेश्चन दे दूं क्या? यस सर, दे दूं। यस सर, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन अगर आप नहीं करोगे प्रैक्टिस में ना, थोड़ा दिक्कत है, उस पर एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस रहना चाहिए आपके। दे दीजिए सर क्वेश्चन। ठीक है मैं दे देता हूँ। चलिए भाई दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, एपीजीपी कब? हां कुछ कहना चाह रहे हैं सर? 11 का जो बैच चल रहा है उसमें एपीजीपी कब होगा? 11 का बैच में एपीजीपी आप सर से जरूर कंफर्म कर लीजिए, जेके सर आपको बता सकते हैं, आप एक बार उनसे कांटेक्ट। चलिए ठीक है, हां इवन और फंक्शन नहीं ले रहा मैं, चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उस पे कंफर्म कर लेना। देखो फाइन, इफ fx इक्वल टू, लिखना भाई, 4 माइनस एक्स पी 1 माइनस एक्स प्लस 2x-1 सी, और ये लिखा हुआ है आपके सामने x। फाइंड डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है, दूसरा रेंज ऑफ फंक्शन बताना है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा बटरफ्लाई जरूर करेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एंड रेंज ऑफ फंक्शन, बस एक ही क्वेश्चन करो, ज्यादा कुछ नहीं। आइए अगला जो हेडिंग है बस वो जल्दी से खत्म हो जाएगा, समझना अच्छे से, है ना, जो अगला हेडिंग है उसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। हेडिंग है क्या? इक्वल फंक्शन, इवन एंड ऑड फंक्शन, इक्वल फंक्शन नहीं, इवन ऑड फंक्शन नहीं लेना, पहले इक्वल फंक्शन कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद, ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से खत्म, जल्दी लिखे इक्वल फंक्शन। ठीक है, इक्वल अच्छे से, लेट टू फंक्शन, लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शन, आर एनी टू फंक्शन, आर एनी टू फंक्शन, सेड टू बी इक्वल फंक्शन इफ क्या होगा? पहला कंडीशन, इफ डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, दूसरा रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ जी, है ना, थर्ड नंबर में एफ ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स, डांस मतलब याद रखना, फिर से कह रहा हूं कि कोई भी दो फंक्शन इक्वल फंक्शन तब कहलाएगा, या दो फंक्शन या तीन फंक्शन इक्वल फंक्शन तब कहलाएगा जब पहले वाले का डोमेन दूसरे वाले का डोमेन बराबर, पहले वाले का रेंज दूसरे वाले का रेंज बराबर, पहले वाला फंक्शन दूसरे वाले फंक्शन के ठीक सामने खड़ा हो। इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया सर कि ठीक सामने का क्या मतलब है, इसका मतलब अगर दो फंक्शन, हाँ बोलना चाह रहे कुछ? वो कुछ नहीं समझ में। हाँ, कोई फंक्शन दो फंक्शन इक्वल फंक्शन तब कहलाएगा, शेड टू बी इक्वल, जब दोनों का डोमेन सेम हो, जब दोनों का रेंज सेम हो, जब दोनों फंक्शन ठीक आमने सामने खड़े हो, ठीक आमने सामने खड़े होगा मतलब ये हुआ कि सर जिस दिन ये आमने सामने खड़ा होगा तो इसका अंदर का जो समान है, अंदर का समान का मतलब जो एक्स है वो आपस में इक्वल होगा। क्या मतलब है कि एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल होना चाहिए, हम यहाँ पे काट नहीं देंगे भाई साहब, काटना नहीं है, आपका हाथ बहुत जल्दी चलता है, काट नहीं देना भाई, थोड़ा पेशेंस रखना है। रिपीट कर रहा हूं कि दो फंक्शन इक्वल तब होगा जब डोमेन रेंज और साथ में दोनों आपस में खड़ा हो, खड़ा होने का क्या मतलब हुआ कि दोनों का इनसाइड फंक्शन यानी इनसाइड वैल्यू सेम हो, यानी इनपुट सेम हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर लिख दो इनपुट सेम, इनपुट्स आर इक्वल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ मतलब ये दोनों हटेगा और एक्स एक्स सामने आएगा, तो ये इक्वल फंक्शन का डेफिनेशन, कहीं कोई डाउट है? ये छोटा सा टॉपिक है, चार पांच क्वेश्चन करेंगे खत्म हो जाएंगे, मिटा रहा हूं इसको। ठीक है साहब, आइए। यस सर, इक्वल फंक्शन माने डोमेन से, इक्वल फंक्शन माने रेंज से, इक्वल फंक्शन माने दोनों फंक्शन इक्वल लेकिन इनसाइड वैल्यूज आर इक्वल। चलिए क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन क्या है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू दिया वाई एंड जी एक्स इक्वल टू दे दिया आपको एक्स, कोई बता सकता है जल्दी से कि सर क्या ये दोनों फंक्शन सेम है या इक्वल है? सुनना अच्छे से, पहला कंडीशन क्या निकल रहा है, दोनों का डोमेन, इसका डोमेन कोई बता सकता है कॉन्स्टेंट का? आर डर तो नहीं है, किधर बता सकता है इसका डोमेन? क्या इनको देख करके फटाक से हम बोल सकते हैं कि सर इक्वल फंक्शन है? नहीं, थोड़ा सा रुकिए, दूसरा पॉइंट क्या होगा, रेंज रेंज ऑफ फंक्शन, इसका रेंज बताना है, इसका ग्राफ सभी को याद है ऐसा, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया आर। सर दोनों इक्वल नहीं है, पकड़ में आया, इसको लिखेंगे नॉट इक्वल फंक्शन। भाई दर्द है कहीं पे तो बताओ, ऐसे चुपचाप मत रहो, खामोशी अच्छी नहीं लगती, सही है क्या? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन करो आपके सामने, एफ एक्स इक्वल टू लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छे समझना, एक्स स्क्वायर जी एक्स इक्वल टू आपके सामने दिया अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, चलेगा क्या? चलिए आइए सभी लोग मिलके बात करते हैं, इसका डोमेन बता दो। अरे सही है, अच्छा ये जी एक्स किसी को पता चला, ये फर्जी है, फर्जी मॉड एक्स है, मॉड एक्स। Yes, sir. Yes, sir. तो कितने लोग बता सकते हैं इसका डोमेन ऑफ जी, कोई बता सकता है? आर सर। चलो जल्दी से बताओ, रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर आर प्लस रेंज ऑफ एक्स स्क्वायर जीरो से इंफिनिटी, जीरो से जीरो से इंफिनिटी, रेंज ऑफ जी याद है किसी को, ग्राफ मॉड एक्स का ऐसा वी, रिहाना कुछ तो बोल लो। Yes, sir. Yes, sir. इसका रेंज तो जीरो से इनफाइनिटी, इसका डोमेन से रेंज से फंक्शन, कॉपी कीजिए जल्दी से, कॉपी कीजिए। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं, आइए सब क्वेश्चन क्या है अपना समझना चाहिए, क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत बढ़िया, फिर जी एक्स इक्वल टू लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ टेन स्क्वायर एक्स, आंसर बताइए दोनों कैसे फंक्शन है? पहला डोमेन सर आर, आर साइन का डोमेन आर होता है, कॉस का डोमेन आर होता है, इंटर ये बताइएगा सेक स्क्वायर एक्स का डोमेन, पिट जाओगे सामने हो नहीं पिट जाओगे, आर माइनस वन माइनस वन माइनस वन से वन, आर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। इसका डोमेन भी क्या होता है, x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, भूल गए क्या? यस सर। सही है, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया क्या, डोमेन ऑफ g x बिलोंग्स टू r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। गरीब बच्चा क्या बोलता है, क्योंकि वो बचपन से पढ़ के आता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दोनों बराबर ही तो है सर। ठीक है, yes, ध्यान रखना, ऐसे थोड़ा सा चीजों को ध्यान रखेंगे तो भाई लिख लेना बोथ आर नॉट इक्वल, बोथ आर नॉट इक्वल। चलिए बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन और लेता हूं फटाफट करके, तमीज से देखना ध्यान से सुनना, एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल टू टू लॉग एक्स, कोई लॉग का प्रॉपर्टी मत लगा देना, चीजों को अच्छे से समझना जो सिखा रहा हूं, देखो तो दिमाग में हो जाएगा इसका, ये फंक्शन देखते हैं x स्क्वायर ग्रेटर देन 0, बस वही तो बात है भाई, r होगा सर, r होगा पॉलीनोमियल है, r माइनस 0 भूल गए क्या, r माइनस, अरे भाई अच्छा हां 0 नहीं है, यही तो दर्द है सर, हम लोग ऐसे ऐसे वो हम लोग को याद ही नहीं रहता, इस तरह का प्रोफाइल पढ़ाया था मैंने, बोला था कि fx x बिलोंग टू r fx 0 कर देना, है ना, दवा की तरह पिया करो, लेकिन सर वो सब नहीं होता, हम बीमार थोड़ी। चलिए कोई बात नहीं, आइए तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, x बिलोंग टू r माइनस 0, आइए अब इसका बताएंगे क्या डोमेन, x बिलोंग टू r माइनस 0 सर मैंने 0, अरे भाई साहब फिर से मैंने बोला प्रॉपर्टी मत लगा देना, फंस जाओगे,
आपका मन कर रहा होगा, मन चंचल है, नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्स नहीं पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। फंक्शन में हम लोग कभी भी ऐसा नहीं करते भाई साहब, रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने कई बार बताया भी आपको स्टार्टिंग के डेज में कि ये फंक्शन हो तो दो इसकी इधर मत ले आना, ये हो तो इसको दो चढ़ा मत देना इसके ऊपर, फंक्शन में फिजिकली नहीं कर सकते आप, पकड़ में आना क्या, कैसे नहीं कर सकते सर बात बताओ। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लॉग बेस ई और यहाँ पे लिखा एक्स और यहाँ लिखा वन बाई टू, बहुत मजा आ रहा है सर, आनंद आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे डोमेन क्या लिखेंगे सिर्फ इसका, कभी भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा हो, कितने लोग बोल सकते हैं कि ये और ये इक्वल या नॉट इक्वल, अनइक्वल, नॉट इक्वल, तो फंक्शन कैसा है, नॉट इक्वल। तो ध्यान रखना भाई साहब, यहाँ से एक लर्न है, यहाँ से सीख सकते हो बहुत अच्छे से, रिपीट कर रहा हूँ कि ये और ये कभी भी इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी कोई बच्चा आपके सामने बहुत अच्छा शरारत करे, क्या मतलब कि सर बताओ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ fx इक्वल टू, नहीं ऐसे लिख रहा हूँ 2 log x square क्या equal to हो सकता है क्या, sorry log x square क्या equal to 2 log x square क्या, मना कर देना, मना कर देना, क्यों मना करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि x वहां पे क्या है, ठीक है क्या। चलिए तो ये बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी से लिख लेना इसको, अभी मैं इसमें जल्दी से छाप दे रहा हूँ कुछ क्वेश्चन, आप बता देना, मैं बता दे रहा हूँ 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसको ट्राई करके आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डोमेन जिसका रेंज इक्वल हो जाए वो इक्वल फंक्शन होता है, और लास्ट में वो कंडीशन से खड़ा जो दोनों सामने होता है वो सब लगाएंगे, वो पर्सनली किसी वैल्यूज ऑफ एक्स कम से कम 7-8 क्वेश्चन तो बनते हैं सर। गला बैठ गया इतना चिल्लाने के बाद भी तुम नहीं समझ सकते, बहुत दुख की बात है, खैर कोई बात नहीं, व्हाटएवर, आइए सर आनंद लीजिए सर, लोग लिखिए चेक विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर इक्वल, आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इक्वल है। पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ठीक है। थर्ड केस दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू वन एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स बाई एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा हूं, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू, दे रहा हूं सामने, रिपीट करता हूं, जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ एक्स इक्वल टू दे रहा हूं log बेस x माइनस 1 बाई x माइनस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू आपके सामने रख रहा हूं log x माइनस 1 माइनस log x माइनस 2, ठीक है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 रख रहा हूं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6 क्या ले लो सर, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला, हाँ बोलो, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2 एक्स, ठीक है क्या, यस सर। चलिए तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं, यानी इक्वल फंक्शन काइंड्स ऑफ फंक्शन तक खत्म। आपका क्या बचा हुआ बता देता हूँ, इवन ऑड फंक्शन बचा हुआ है, पीरियोडिक फंक्शन बचा हुआ है, कंपोजिट फंक्शन बचा हुआ है, काइंड्स ऑफ फंक्शन बचा हुआ है, रेंज बचा हुआ, 5 चीज बचा हुआ है, चैप्टर खत्म। लास्ट पांच से बता दीजिए, बोर्ड क्लियर है, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 एंड जी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 2। फिर से बता रहा हूं, फंक्शन में लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स पता ही नहीं है क्या है अपने को, तो ये आपको दिख रहा है लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए माइनस लॉग बी, और वो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप बोल सकते हो इक्वल हो गया सर, जो कि गलत भी हो सकता है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डोमेन एंड द रेंज है ना, यू कैन कैलकुलेट और फाइंड आउट द फंक्शन आर इक्वल और नॉट, ठीक है। चलिए तो जितना क्वेश्चन कराया आपको वहां तक आप करेंगे अच्छे से, और जहां तक आपको पिछले क्वेश्चन का यानी पिछले क्लास में जो क्वेश्चन दे रखा पेंडिंग जो पड़ा हुआ है
उसको सॉर्ट आउट करें, जल्दी जल्दी से बनाएं। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक एक कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। डीपीपी भी तो चलेगा ही चलेगा, साथ में आपका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए एक कॉपी में। उस कॉपी में यानी इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक बनेगा उसका सॉल्यूशन कॉपी अलग होना चाहिए और नोट्स अलग होना चाहिए। पैरेलली बता रहा हूँ, फिर से सुना रहा हूँ, रिविजन के लिए बस इतना ही काफी है। इतना भी कर लो, बेड़ा पार होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखता हूँ, बाकी